आप चाहते हैं जी कि मैं एक ही पिक के अंदर मैं बहुत ज्यादा पोज ले लूं, किस तरह कि मैं एक जगह पर खड़ा भी हो जाऊं, उसी पिक के अंदर मैं बैठा भी हूं, उसी पिक के अंदर मैं इस तरह पोज और भी लेकर खड़ा हूं, या उसके बाद मैं अपने हाथ में मोबाइल लेकर खड़ा हूं, उसी पिक के अंदर डिफरेंट पोज ले लूं एक ही पिक के अंदर। तो एडिट करके तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको एडिटिंग का भी पता होना चाहिए और इसके साथ साथ आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन आज किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लाइव किस तरह ले सकते हैं। लाइव से मुराद ये नहीं कि मोबाइल डाटा ऑन करके, मतलब ये कि आपको इस तरह मोबाइल रखना है, पिक क्लिक करनी है एक, इसके बाद आपको पोज चेंज करना है, जगह चेंज करनी है, फिर आपको क्लिक कर लेनी है, फिर आपको चेंज करना है एक ही पिक के अंदर, वो सारी जो आपके पोज हैं, वो जो जहां पर भी आप होंगे वो सारे एक ही इमेज के अंदर आपके आ जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, तो फिर जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सुनैना और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी हाउस। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जाहिर सी बात है, उसका नाम है जी कैमरा क्लोन। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी, ये वाला लोगो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, और आपको इसे इंस्टॉल करने के बाद इसे डायरेक्ट ओपन कर लेना है, सिंपल सी बात है। तो जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो यहां पर आपको साइड पे जो ऑप्शन नजर आते हैं, इसके ऊपर पहला जो ऑप्शन है यहां से आप चेंज कर सकते हैं अपना कैमरा फ्रंट या बैक। इसके बाद आप फ्लैश को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके बाद आप टाइमिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि मैं जैसे क्लिक करने वाला बटन दबाऊं तो ये 10 सेकंड के बाद फोटो क्लिक हो कि मैं अपनी जगह पर पहुंच जाऊं, फिर मेरी फोटो क्लिक हो अगर आपके लिए हैं तो। इसके बाद नीचे है जी कि आप एक इमेज के अंदर कितनी, मतलब कितने स्टाइल, कितने पोज ले सकते हैं, 3 से लेकर 5 पोज तक आप एक फोटो के अंदर ले सकते हैं। तो आपको सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले बता दिया है, आपको रखना है मोबाइल और आपको अपनी इमेज को क्लिक करना है, एक को क्लिक करना है, आपको जो भी चीज होगी उसकी जगह को चेंज करना है, फिर आपको क्लिक करना है, उसके बाद दोबारा चेंज करना है, और फिर जब आपकी इमेज निकल के आएगी तो सारे जो मतलब एक चीज होगी वो डिफरेंट जगह पर चले जाएगी, और इस तरह लगेगा कि ये एडिट की हुई है, लेकिन हमने एडिट नहीं की हुई। और एडिट करने में मैं फिर बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है उसके अंदर। तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने कितने पोज और कितनी इमेज बनाई है इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए। तो यहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप इस एप्लीकेशन के जरिए ये सब कुछ कर सकते हैं, तो ये आप लाजमी से देखें। उम्मीद करता हूं कि ये वाली वीडियो आपको बहुत ज्यादा जबरदस्त लगी होगी, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। टेक वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को इसलिए प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख लें। तो फिर अल्लाह हाफिज।